नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत अपनी पार्टी के लिए आफत का सबब बनती जा रही हैं। वे लगातार ऐसे बयान देती रही हैं जिनको लेकर विवाद खड़े होते रहे, लेकिन अब तक के उनके सारे बयान या तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में हुआ करते थे या कांग्रेस पार्टी के बारे में। लेकिन अब की बार उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पार्टी सांसत में आ गई है। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि वहाँ पर बलात्कार हो रहे थे, वहाँ पर लोगों को मारकर टांगा जा रहा था। इस बयान के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को न केवल उनके इस बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा बल्कि उन्हें सख्त हिदायत देकर कहना पड़ा, खामोश खामोश रहिए, आपको कोई इजाज़त नहीं है इस तरह के बयान देने की, आप अधिकृत नहीं हैं इस तरह की बयानबाजी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के इस बयान से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। लेकिन हरियाणा के चुनाव से ऐन पहले इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है। आइए सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम समझते हैं। आपको याद होगा कंगना रनौत का एक वो बयान जो उन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर दिया था। एक टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू में वे कह रही थी कि देश तो 2014 में आज़ाद हुआ है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन तब वे भारतीय जनता पार्टी की सांसद नहीं थी, सिर्फ बड़े पर्दे की एक अभिनेत्री थी। तब भी उनकी बहुत खिल्ली उड़ी थी, मखौल उड़ाया गया था, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुए देश को कोई भी व्यक्ति अगर 2014 में आज़ाद होना बताएगा तो उसका मखौल उड़ना स्वाभाविक है। उसके बाद उन्होंने एक बार किसान आंदोलन में बैठने वाली महिलाओं को रुपये में धरने पर बैठने वाली बता दिया था। उसके बाद एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वो घटनाक्रम पूरे देश के सामने आया। सांसद बनने के बाद एक बार वे अपनी विमान यात्रा के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक के लिए तैनात अमला होता उसमें से एक महिला सिपाही जो CRPF की कांस्टेबल है कुलविंदर कौर, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद वे निलंबित कर दी गई कुलविंदर कौर। बाद में इस तरह की बात सामने आई कि कुलविंदर कौर की माँ भी किसान आंदोलन में धरने पर बैठी थी। उससे आक्रोशित होकर कुलविंदर कौर ने सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद जो कार्रवाई होनी थी विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। लेकिन उसके बाद अब कंगना रनौत के निशाने पर कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। अभी बजट सत्र में जब राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की, उनके भाषण तेजी से वायरल हुए, तब कंगना रनौत ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि राहुल गांधी जब भी सदन में आते हैं तब ऐसा लगता है कि वे नशे में हैं, वे हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये मांग BJP की सांसद कंगना रनौत ने की थी। इसकी भी तीखी आलोचना हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी को लेकर, और राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखी थी। तब कंगना रनौत ने कहा था कि राहुल गांधी बेहद सबसे खतरनाक, कड़वा, जहरीला और विनाशक व्यक्ति हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी की आवाज़ उठाने के बाद BJP की सांसद कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक, कड़वे, जहरीले और विनाशक व्यक्ति हैं, वे लोकतंत्र पर कलंक हैं। इस तरह के आरोप भी कंगना रनौत ने लगाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब कंगना के ऐसे बयानों पर खामोश रही, बल्कि मौन स्वीकृति जैसी पार्टी ने दे दी थी। पार्टी ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि वे 5 बार के सांसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए
नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक बयान न दें। लेकिन पार्टी ने कब रोका है? पार्टी ने तब रोका जब हरियाणा का चुनाव सामने है और कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर टांगा जा रहा था। इस तरह के आंदोलन देश विरोधी ताकतों के इशारे पर हो रहे हैं। कंगना रनौत ने ये ही नहीं कहा बल्कि ये तक कहा है कि अगर उस वक्त मजबूत सरकार नहीं होती तो किसान आंदोलन आगे बढ़कर बांग्लादेश जैसी हालत बना देता। कंगना रनौत के इस बयान को कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेता राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में खड़े होकर किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कह चुके हैं तब ऐसी बातें होना स्वाभाविक है। अब वे अपने समर्थकों से किसानों का अपमान करवा रहे हैं, ये बेहद आपत्तिजनक बात है। उससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उन्होंने कंगना रनौत का बिना नाम लिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद किसानों का अपमान कर रही हैं। वे किसानों के प्रति इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर उन्हें अपमानित कर रही हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि किसान MSP की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को एक न एक दिन MSP देना ही पड़ेगा। और कंगना रनौत के इस बयान पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी बयान दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सांसद के इतने आपत्तिजनक बयान के बाद माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे पार्टी। सिर्फ उस बयान से असहमति ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि पार्टी उनके बयान से अपने आप को अलग करती है। इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। आइए सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रनौत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.5 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमरीकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था, जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है
उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ। और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही है या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या यह आपकी सरकार का मत है? क्या यह आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से, और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है, और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है, तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है, उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से। कंगना रनौत ने अपने बयान में, अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अमेरिका और चीन जैसे देश इस तरह के आंदोलनों के पीछे हैं, वे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं कि चीन और अमेरिका भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए सुनिए। उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी, जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, यहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे। तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या वो इतने कमजोर है कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही है विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है। इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमरीका और चीन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमरीका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे
तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती ये कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। मूल मुद्दा यह है, यह हम आपके सामने आके कहना चाहते थे। इस देश के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों को इन शब्दों से नवाजा नहीं गया है, और सत्तारूढ़ दल की एक सांसद यह करती है, और बीजेपी बस ये मुंह मोड़ लेगी कि यह हमारा मत नहीं है। अगर आपका मत नहीं है तो निकाल फेंकिए, और सरकार के स्पष्टीकरण का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि देश में विदेशी ताकतें काबिज है, नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है, और यह सब हो रहा है उसका भी सत्य सामने आना चाहिए। सुप्रिया ने कहा है कि इस बयान पर कि अमेरिका और चीन जैसे देश भारत के अंदरूनी हिस्सों में, अंदरूनी हालात में दखल दे रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं, इस पर सरकार को, विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। और जब कंगना के इस बयान की तीखी आलोचना पूरे देश में हुई, समाज के सभी तबकों से इसे आपत्तिजनक बताया गया, तब भारतीय जनता पार्टी चेती और सोमवार को लिखित बयान जारी करके ये कहा गया कि कंगना रनौत बीजेपी की, उनकी पार्टी की जो सांसद हैं, वे इस तरह के बयानों के लिए न तो अधिकृत हैं और न उन्हें ऐसा कोई अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि वे भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बाज आएं, यानी पार्टी ने उन्हें पूरी तरह खामोश रहने के लिए निर्देशित किया है। यही शब्द बीजेपी के प्रेस नोट में लिखा है, यानी आइंदा कंगना रनौत इस तरह के बयान नहीं दें। जो कंगना रनौत लगातार आपत्तिजनक बयान देती रहती थी, लेकिन पार्टी कभी भी उस पर एतराज नहीं करती थी, उससे अपने आप को अलग नहीं दिखाती थी, लेकिन इस बयान पर जो कि किसान आंदोलन को लेकर दिया गया है, पार्टी को इतनी चिंता क्यों हुई? जब हम और आप इसकी पड़ताल करते हैं तो साफ नज़र आता है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव सामने है, 1 अक्टूबर को वहाँ मतदान होने वाला है, पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा में लगी हुई है, सारी पार्टियाँ चुनाव में कूद चुकी हैं। ऐसे में किसानों के बारे में दिया गया ये बयान पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पार्टी चिंतित हुई है। आप सबको याद होगा 378 दिन चले किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा संख्या हरियाणा और पंजाब के किसानों की ही थी, और अब ऐन चुनाव के वक्त पर पार्टी की सांसद का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकता है, इसी चिंता में दुबले होते हुए पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है और ये चेतावनी दी है कि वे खामोश रहें। लेकिन जितना नुकसान कंगना रनौत पहुंचा चुकी हैं, उसकी भरपाई आसानी से होना मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद कंगना रनौत के बेसिर पैर के बयानों से बहुत परेशान है। पार्टी को आज समझ में आ रहा है कि आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, कंगना रनौत के ऐसे बयान उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें ज़ुबान बंद रखने के लिए कहा गया है। देखना होगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां कंगना रनौत के इस बयान को किस तरह भुनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी को जो नुकसान इस बयान से हो चुका है, वो पार्टी के खुद के उससे अलग दिखाने से भरा जाने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।